मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर श्री एन के प्रेमचंदन, श्री एम के विष्णु प्रसाद और के सुरेश द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ है, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ है। सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं युवा और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ दो में युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संध्याय के दौरान होने वालों खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 4 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, निर्णय हां वालों के पक्ष में। युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पारित हुई। अब आइटम नंबर 25। माननीय सदस्यगण, अविशिष्ट अनुदानों की मांगों के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं। समय अभाव के कारण मैं सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ मान रहा हूं। माननीय सदस्यगण, जैसी की परंपरा रही है, अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि अविशिष्ट अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए हुए माने गए। The cut motions are not taken for voting separately. I think it need not be. Only for the demands for grants which have been selected should be taken. Otherwise, it need not be. माननीय विद्वान सदस्य अच्छे विचार के मैं विचार करूंगा। प्रश्न ये कि अविशिष्ट अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाए। जो इसके पक्ष में हां कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में समाप्त होने वाले वर्ष में संध्याय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 4 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। नंबर 1, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3। नंबर 2, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा तथा होम्योपैथिक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4। 3, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7। 4, नागर विमान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8। 5, कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9। 6, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11 7। संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13। 8, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। माननीय सदस्य गण, नहीं करना सर, लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। लिस्ट ऑफ बिजनेस में है माननीय, आप विद्वान है, प्रोफेसर हो, लिखा हुआ माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब, प्लीज नोट। लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है, जब बुलेटिन हो, जब टाइम एक्सटेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
आइटम नंबर एट, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15। नाइन, कारपेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16। टेन, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17। इलेवन, रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18 से 21। ट्वेल्व, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22। थर्टीन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23। फोर्टीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24। फिफ्टीन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25। सिक्सटीन, विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26। सेवनटीन, वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27 से 34, 37 और 38। एटीन, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 और 40। नाइनटीन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41। ट्वेंटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 और 43। ट्वेंटी वन, भारी उद्योग और सरकारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 और 45। ट्वेंटी टू, गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 55। ट्वेंटी थ्री, आवास शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56। ट्वेंटी फोर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58। ट्वेंटी फाइव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59। ट्वेंटी सिक्स, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60 और 61। ट्वेंटी सेवन, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62। ट्वेंटी एट, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64। ट्वेंटी नाइन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66। थर्टी, खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67। थर्टी वन, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68। थर्टी टू, नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69। थर्टी थ्री, पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70। थर्टी फोर, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71। थर्टी फाइव, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72। थर्टी सिक्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74। थर्टी सेवन, योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75। थर्टी एट, विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76। थर्टी नाइन, लोकसभा से संबंधित मांग संख्या 78। फोर्टी, राज्यसभा से संबंधित मांग संख्या 79। फोर्टी वन, उपराष्ट्रपति का सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 80। 42, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86 से 88। 43, पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89। 44, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90। 45, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91 और 92। 46, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 93। 47, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94। 48, इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95। 49, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96। 50, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97। 51, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98।
52 महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99 तथा जो सदस्य इसके पक्ष में वह हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में आए, निर्णय हवालों के पक्ष में आए, मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 26 माननीय मंत्री जी। सर, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू ऑथराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टन सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया for the services of the financial year 2019-20. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनः स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 27 माननीय मंत्री जी। सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल टू ऑथराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टन सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। अनुसूची को स्वीकृत करना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, अनुसूची विधेयक का अंग बनी। खंड ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अभी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में आए, हां वालों के पक्ष में आए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।